दबंगों ने की दिव्यांग बेटी और उसकी मां के साथ मारपीट, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में मारपीट के केस में राजीनामा नहीं करने पर दबंगों द्वारा एक दिव्यांग युवती और उसकी मां के साथ पुनः मारपीट करने का मामला सामने आया है। दिव्यांग युवती और उसकी मां ने घटना की रिपोर्ट पोहरी थाने में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एनसीआर दर्ज कर मामले से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद दिव्यांग युवती ने इसकी शिकायत एसपी को दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार ममता पुत्री विद्यापुरी गोस्वामी निवासी केदारेश्वर पोहरी ने बताया कि जुलाई माह में उसके घर से 21,000 रुपये और एक मोबाइल चोरी हो गया था, जिसका संदेह उसने पड़ोसी सूखा कुशवाहा पर जताया था, जिसको लेकर सूखा कुशवाहा ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में राजीनामा के लिए सूखा कुशवाहा उस पर दबाव बना रहा था। सूखा कुशवाहा और उसके परिवार ने 21 दिसंबर 2023 को उसकी और उसकी माँ के साथ मारपीट कर दी। थाने पर रिपोर्ट करने पर पुलिस ने उचित कार्यवाही नहीं की, इससे परेशान दिव्यांग युवती ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता गोस्वामी है। कहाँ की रहने वाली हो आप? पोहरी की। क्या समस्या लेके आई थी यहाँ एसपी ऑफिस पे? मैं पहले सातवें महीना में मेरे 21,000 रुपये वो मोबाइल बढ़ा लिया था, तो मैंने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद में फिर भी वो मेरे से कह रहा था, मैंने कही मुझे पीट दिया था पहले सातवें महीना में। अब 21 तारीख को मेरे घर पर ही मेरे बाकी पापा जी ने, बाकी भाई ने, गिरिराज ने और अम्मा को पीटा, सब परिवार को, मेरी मम्मी को और मुझे। आँखों में लग गई, इसमें चोट आ गई, कपड़े भी फाड़ दिया मेरे। तो थाने पे गई थी, कार्रवाई नहीं की? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, ओसू का कुछ बाकी, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ थाने वाले सुन ही नहीं रहे। तो किसने मारपीट की थी आपकी? इसके पापा जी ने, उसकी मम्मी ने, इसके भैया ने, गिरिराज ने, वो सूखा कुशवाहा ने। किस किस की मारपीट की थी? मेरी मम्मी की और मेरी। अरे आप दोनों की? अच्छा, वो पुराने केस को लेकर मारपीट की आपकी? हमने पहचान लिया बड़ियाई करने के बाद में। वो बड़ियाई करने गया था, 21,000 रुपये मैंने कि तुमको मैंने पहचान लिया, ऐसे कह रहा था तुम पहचान लिया था, मैं तो ऐसे ही बढ़ियाऊँगा, वो ऐसे ही चोरी करूँगा, तुझ पे आए तो कर ले बाबा, तुम क्या करोगी हमारे। अच्छा, अभी यहाँ आई थी एसपी ऑफिस, क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं, उनसे क्या गिरफ्तार कर लो, वो बोल रहे हाँ कर लेंगे, बस ड्यूटी ड्यूटी कहते रहते हैं कर लेंगे, उसका कुछ नहीं कर रहे। आप क्या चाहती हैं? हम मुझे चाहते हैं कि इसको हमसे बोला नहीं और इसको सबक सीख जा, थोड़ा बहुत कार्रवाई चाहती हैं आप? कार्रवाई चाहती हैं आगे। आप आइए, मैं 5 से विकलांग हूँ।